नमस्कार दोस्तों, एक तरह रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही अलग तरह का समोसा जो आपने पहले कभी नहीं बनाया होगा, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है और इसे आप घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। चलिए तो फिर देख लेते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। एक बड़ा बर्तन लेंगे, उसके अंदर एक कप मैदा ले लेंगे। मैदे को मैंने अच्छे से छान लिया है। आप मोयन तेल का भी डाल सकते हैं, घी का भी डाल सकते हैं। मैं घी का मोयन डाल रही हूँ। 2 चम्मच हम घी डाल देंगे और घी और मैदे को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। मोयन हमारा अच्छा होगा तभी हमारे जो पोटली समोसे हैं वो अच्छे बनेंगे। एकदम बंधना चाहिए, देखिए मैदा अच्छे से बंध रहा है, मोयन हमारा एकदम सही है। इससे ज़्यादा हमें मोयन नहीं डालना। अगर आपका मैदा नहीं बंधे तो आप थोड़ा सा मोयन और डाल लें। डो बनाने के लिए मैंने हल्का गुनगुना पानी लिया है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका डो बना लेंगे। डो हमें ज़्यादा टाइट भी नहीं चाहिए और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट चाहिए, पर पानी आप थोड़ा थोड़ा ही डालें और इसे गूँथ लेंगे। देखिए फ्रेंड, मैंने इसे गूंथ लिया है। डो हमारा ना तो ज़्यादा सॉफ्ट है और ना ही ज़्यादा टाइट है। अब हम इसमें थोड़ा सा घी लगा देंगे ताकि ये सूखे ना। और अब हम इसे 10 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ देंगे ढककर। अब हम मसाला बना लेते हैं। मसाला बनाने के लिए मैंने 2 उबले हुए आलू लिए हैं। आलू को हम कट कर लेंगे। आप आलू को मैश भी कर सकते हैं, छोटे छोटे पीसेस में हम इसे कट कर लेंगे। देखिए आलू को मैंने कट कर लिया है। अब हम इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे 1/2 चम्मच। नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। जीरा पाउडर डाल देंगे 1/2 चम्मच। चाट मसाला डाल देंगे 1/2 चम्मच। गरम मसाला डाल देंगे 1/2 चम्मच। अब हम इन सभी मसालों को आपस में अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस पे मैंने एक पैन रखा है। पैन के अंदर 1 चम्मच तेल डाला है। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसके अंदर जीरा डाल देंगे। आप इसके अंदर हींग और अजवाइन भी डाल सकते हैं। और 1 हरी मिर्च लिए जिसको बारीक काट लिया है वो डाल देंगे। अब हम इसके अंदर 1 छोटी कटोरी मटर डाल देंगे। मैंने फ्रेश मटर के दाने लिए हैं, आप फ्रोजन भी यूज़ कर सकते हैं। मटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम मैं मिक्स किया हुआ मसाला डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए मसाला हमारा बन गया है। मैंने इसे अच्छे से भून लिया है। जो आलू बड़े हैं उसे मैंने थोड़ा तोड़ लिया है। थोड़ी सी कसूरी मेथी डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसके अंदर हरा धनिया भी डाल सकते हैं। देखिए फ्रेंड, हमारा मसाला जो है बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। मैदे को भी थोड़ा मसल लेंगे और इसकी लोइयां तोड़ लेंगे। हमें लोइयां ज़्यादा बड़ी नहीं तोड़नी है, पूरी बनाते हैं उस हिसाब से हमें छोटी छोटी लोइयां तोड़ लेनी है। और 1 लोई ले लेंगे। अब हम इसे बेल लेंगे। अगर आपकी पूरी नहीं बिले तो आप इसमें थोड़ा घी या ऑयल लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से बेल लेंगे।
बड़ी सी पूड़ी बेल लेंगे और अब हम इसके अंदर स्टफिंग रख देंगे। स्टफिंग ठंडी होने के बाद ही रखें और स्टफिंग इतनी ही रखें, ज़्यादा ना रखें, नहीं तो ये बाहर आ जाएगी। अब हम इसके चारों ओर किनारों पे पानी लगा देंगे और अब हम इसे इस तरह से प्लेट डालते हुए फोल्ड कर देंगे। देखिए इस तरह से, बहुत ही आसान तरीका है फ्रेंड्स, और ये समोसे जो है खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई करें। देखिए इस तरह से एक समोसा मैंने तैयार कर लिया है, देखिए बहुत ही सुंदर समोसा हमारा बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसे रख देंगे और दूसरा बेल लेंगे। देखिए दूसरा भी मैंने बेल लिया है। अब चारों ओर साइडों में पानी लगा देंगे। और इसमें स्टफिंग भर लेंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है फ्रेंड्स समोसे बनाने का, आप ज़रूर ट्राई करें, आपको काफ़ी पसंद आएंगे और ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। समोसे छोटे बड़े आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। अगर आपको बड़े समोसे बनाने हैं तो आप बड़ी लोई लेकर उसे बेल लें और फिर स्टफिंग भर के उस इस तरह से पोटली समोसा बना लें। ये दूसरी पोटली हमारी तैयार हो गई है और इसे साइड में रख देंगे। देखिए मैंने कुछ पोटली बना ली है, अब हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हम डो डालकर देख लेंगे कि तेल हमारा गर्म हुआ है या नहीं। तेल मैंने पहले ही गर्म करना रख दिया था, तेल हमारा गर्म हो गया है। तेल हमें ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए, मीडियम गर्म तेल चाहिए, बस जब हम समोसे डालें तो उसमें थोड़े बबल आने चाहिए। और इस तरह से इनको फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स इनको अच्छे से पानी लगाकर चिपकाएं, अगर आप पानी लगाकर नहीं चिपकाएंगे तो ये फ्राई करते वक्त जो है वो बिखर जाएंगे, फिर आपका तेल भी गंदा हो जाएगा, तो इस बात का आप पूरा ध्यान रखें। देखिए समोसे हल्के गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, इनको इसी तरह चलाते हुए हमें गोल्डन ब्राउन कर लेना है। ये बहुत ही कुरकुरे बनते हैं, बाजार के जैसे इनका टेस्ट आता है फ्रेंड्स, जैसे बाजार के समोसे होते हैं। देखिए ये फ्राई हो गए हैं अच्छे से, अब हम इनको निकाल लेंगे। ये लाइट में कम फ्राई दिख रहे हैं फ्रेंड्स, पर ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं। और सभी समोसे इसी तरह फ्राई करके रख लेंगे। देखिए फ्रेंड मैंने सभी समोसे फ्राई कर लिए हैं, बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं ये, और ये खाने में भी उतने ही टेस्टी है। फ्रेंड्स अगर आपको आज का पोटली समोसे की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और एकता रेसिपी चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें। और प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करके भी ज़रूर बताएँ कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत